जिनको खाने पीने की कमी है उनको रखा जाए, उनके लिए रूम बनाया जाए, तो उनको खेलने के लिए एक कमरे में उनको खिलौने रखेंगे, एक कमरे में उन बच्चों को यहाँ बैठाएंगे, उनको खाने के लिए जो है उनको इसके साथ बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये वो रूम था, लेकिन मजबूरी में इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, जो वो रखा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की हमारे पास पूरी तैयारी है। जो पुरानी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, इसके अंदर हमने पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल पर लगभग 80 बेड का इंतज़ाम किया हुआ है, और ये बेड हमने खाली रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, सारे के सारे बेड ऑक्सीजनेटेड बेड हैं। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जो कि नीचे से होगी। इसके अलावा हमारे पास 28 वेंटिलेटर 22 बाईपैप मशीन है। हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में दवाइयाँ और ऑक्सीजन मास्क हैं। ज़्यादातर वेंटिलेटर में पीडियाट्रिक मोड भी है। ये संभावना जताई जा रही है कि बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो हमारे पास पूरी तैयारी है। जैसे कि आपने अभी राउंड भी लिया है कि पूरे सारे वार्ड की सफाई कर दी गई है। सारे वार्ड में हमने दोबारा से रंग रोगन करा के बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और पूरा एक स्टाफ और चार हमने आउटसोर्सिंग के जो बंदे हैं वार्ड सर्वेंट वो लगा रखे हैं, ताकि ये किसी भी समय अगर कोई मरीज आता है तो हम हर समय तैयार हैं। हमारी तैयारियां संपूर्ण है, और लगातार सामान ऊपर से हमें मिलता जा रहा है। फिलहाल कोई ऐसा सामान नहीं है जिसकी हमें विशेष आवश्यकता हो, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमने लिख के भेजी हुई है, तो जल्दी हमें उपलब्ध हो जाएंगी। ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो इस समय हमारे पास सफिशेंट है। तो बच्चों के लिए स्पेशल कमरा बना गया, उसमें क्या खास है सर? देखिए, बच्चों के लिए हमने 18 बेड इसमें चिन्हित किए हुए हैं, कि ये मानते हुए कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी, या आप मान के चलो कि 20% के करीब बच्चे भी आ सकते हैं, तो 18 बेड जो है हमने बच्चों के लिए आरक्षित किए इसी में। तो बच्चों के लिए हमारे पास एक तो पीडियाट्रिक मोड के वेंटिलेटर आ गए हैं, वो हैं, पीडियाट्रिक ऑक्सीजन मास्क भी हैं। बच्चों के लिए हमने जो यहाँ हमारे पीडियाट्रिशियन है उनको स्पेशल नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। एक ट्रेनिंग भी हुई थी बच्चों की स्पेशल के लिए, तो वो हमने आगे भी दे दी है। तो बच्चों को लेकर के भी हमारी तैयारियां संपूर्ण है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो पेंटिंग भी रखी है, ये जो हमारा एक कमरा है जो NRC का था पहले, जिसमें बच्चों को खिलौने भी रखे हुए हैं, बच्चों के लिए पेंटिंग भी की हुई है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन के हिसाब से, तो उसको भी हमने फिलहाल कोविड सेंटर में तब्दील किया है, तो हम बच्चों को भी यहीं रखेंगे। बच्चे वहाँ देख कर जो ठीक ठाक बच्चे हैं उनको अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए वहाँ चित्रकारी की हुई है, खिलौने भी रखे हुए हैं, तो बच्चों को होमली फील होगा।